एवरेज भी आप इसमें देख सकते हो, रियल टाइम माइलेज। अभी अपने साथ में है हीरो सुपर स्प्लेंडर और ये इसका एक्सटेक वाला वेरिएंट है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वेरिएंट है। 125 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट कम्यूटर बाइक की अगर आपकी तलाश है तो इस वीडियो में वो तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि आप अपने लिए एक बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में ये बाइक काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, ग्रे में भी आती है, रेड में भी आती है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट है 122 किलो, 122 केजी की ये बाइक है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है और इसकी सीट हाइट 793 mm की है। इसकी लंबाई है 2042 mm की, चौड़ाई है 729 mm की, ऊंचाई है 1092 mm की। इसमें व्हील बेस मिलता है 1267 mm का। आइए अब इसको चारों तरफ से देख लेते हैं, 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। हेड पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लैक कलर में मिलता है। साइड में इधर ये डुअल टोन में ग्राफिक्स मिलते हैं। सेंटर में यहाँ पर देखिए हीरो का 3D में लोगो मिलता है। स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। सेंटर में DRL दिया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही ये देखिएगा इसका DRL ऑन हो जाता है। इस बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया है और ये स्प्लिट हैं, ये देखिए आइस पैटर्न है, रोबोटिक पैटर्न दिया गया है। साइटन इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में है, थोड़े बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और फ्रंट मडगार्ड का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा बॉडी कलर में ही है। इस बाइक में कंपनी ने 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए हैं, अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की। TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं, देख लो भाई ट्यूबलेस है। और फ्रंट टायर साइज है 80/118, ठीक है। इधर ये स्ट्रैप्स मिल जाती हैं डुअल टोन में, इसके लुक को स्पोर्टी बनाती हैं। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। भाई इस बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। आगे वाले पहिए में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये बाइक डिस्क वेरिएंट में भी आती है, ठीक है। और स्पीडोमीटर का कनेक्शन जो है फ्रंट व्हील से नहीं है। इस बाइक के टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इधर ये सुपर स्प्लेंडर का बैज मिलता है, नीचे की तरफ एक्सटेक की ब्रांडिंग। टैंक कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, मेटल का मिलता है, E20 का सपोर्ट है और इस बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल ORBM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। आइए इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइटन इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखिए I3S का स्विच और इसके नीचे एक सेल्फ का स्विच। यहाँ पर ये देखिएगा हीरो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये देखिए USB-A पोर्ट दिया हुआ है, आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। चाबी नॉर्मल मिलती है और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ जिस तरीके से होती है भाई, इस बाइक में फुल्ली डिजिटल मीटर दे दिया है। इधर ये देखिए क्रोम से कवर है, जो स्प्लेंडर एक्सटेक में मिलता है वही मीटर है, जो पैसन एक्सटेक में मिलता है ये वही मीटर है, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, ठीक है, और स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, एवरेज भी आप इसमें देख सकते हो, रियल टाइम माइलेज और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें नहीं मिलता है। इस बाइक में सिंगल हॉर्न दिया गया है, देखते हैं कितना लाउड है। ठीक ठाक लाउड है भाई। क्रैश गार्ड अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसको खरीदोगे तो आपको क्रैश गार्ड भी मिलेगा। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, अब बिल्कुल ठीक समझे इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS-XFI 4 स्टॉक 2 वाल्व हीरो कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में बेस्ट इंजन लगा कर दिया है।
इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 BHP की 7500 RPM पर और इसके इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 Nm का 6000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज के बारे में और इसकी सर्विस के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। इस मोटरसाइकिल में टोटल 5 गियर मिलते हैं, पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे की तरफ लगते हैं। राइडर फुटपैड ये देखिए, फोल्डवेल मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, कनेक्टेड इसमें ग्राफिक्स मिलते हैं, इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। इस बाइक के सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसकी सीट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। स्प्लेंडर की आप सीट देख लो यार, कितनी पतली है। HF डीलक्स की फिर भी ठीक है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर की मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, ग्लैमर से भी ज़्यादा अच्छी। ये देखिएगा सीट कॉल पर हीरो की ब्रांडिंग, इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन। भाई इस बाइक में ये देखिए सिंगल ग्रेवल दिया गया है जो कि बॉडी कलर में ही है। बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। ये देखिए पिलियन फुट पैड, इधर ये साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड एंड चेनसेट कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी TVS कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 90-90-18 ट्यूबलेस है। ये देखो ग्राफिक्स यहां पर भी हैं। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं। ये है इस बाइक की रियर से प्रोफाइल, टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में, इधर ये हीरो की ब्रांडिंग, साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में, इधर ये रिफ्लेक्टर, कोई भी यहाँ पर डेडिकेटेड नंबर प्लेट लाइट नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगेगा, ठीक है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, साइलेंसर ये देखो, इधर ये सिंगल मफलर है जो कि क्रोम में है, इधर ये प्लेन फुट पैड, इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन, इधर ये प्रोटेक्शन, उधर भी प्रोटेक्शन दी है, इधर ये I3S टेक्नोलॉजी, हीरो की ब्रांडिंग, राइडर फुट पैड फोल्डेबल है, रियर ब्रेक लीवर। इस बाइक में किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम FI को मेंशन किया है और इधर ये क्रोम में मिलता है। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसका लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। आइडियल कंडीशन पर आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए, इसका एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, इसमें कोई भी डेडिकेटेड इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है, ना ही इंटीग्रेटेड है, यहाँ से ही बंद करनी पड़ती है। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक लगभग 60-65 के आसपास आराम से निकाल कर दे देगी, फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इसके सर्विस शेड्यूल की। कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 सर्विस फ्री देती है। इसकी पहली सर्विस होगी 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच में 60 दिन के अंदर। दूसरी सर्विस इसकी होगी 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच में 160 दिन के अंदर। इसकी तीसरी सर्विस होगी 6000 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर के बीच में 260 दिन के अंदर। इसकी चौथी सर्विस होगी 9000 किलोमीटर से 9500 किलोमीटर के बीच में 360 दिन के अंदर। और इसकी चौथी सर्विस होगी 12000 किलोमीटर से 12500 किलोमीटर के बीच में 460 दिन के अंदर। ये मैंने आपको सर्विस का एक रफ आइडिया दे दिया है। आइए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इसमें वेरिएंट आते हैं। ये इसका एक्सट्रैक वेरिएंट है सुपर स्प्लेंडर का, तो ये डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। अभी अपने साथ में है ड्रम वाला वेरिएंट। इसकी एक्सरूम प्राइस है लगभग 85,000-85,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको पड़ जाएगी लगभग 1 लाख रुपये के आसपास, 1 लाख।
ठीक है। प्राइस का आपके बोल रहा फाइडी माने हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। कम्यूटर सेगमेंट में, इंडियन मार्केट में जितनी भी बाइक आती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल की यही बाइक है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड भी कराती है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, यूएसबी ए पोर्ट मिल जाता है और इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। रियल टाइम आप माइलेज भी देख सकते हो। फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है जिसमें डीआरएल भी मिलते हैं। कॉन की अगर बात की जाए, मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकें। भाई डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, यूएसबी ए पोर्ट मिल जाता है। इस बाइक की मैं राइड करूँगा, माइलेज टेस्ट करूँगा, इसके साथ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और यदि आप इस बाइक के साथ में इस सेगमेंट में किसी और बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी एक पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।